हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। स्वागत है मेरे नए ब्लॉग्स में। और अभी सुबह के बज रहे थे तो अभी मैं उठाऊँ और आज मैं हूँ मैंगली में। तो रात को मैं आया था उधर दिक्चू से, रात को वीडियो बनाया न्यू फोन। और अभी आपको आज मैंगली का थोड़ा वीडियो बनाऊँगा और उसके बाद सिंताम भी आपको जरूर देखूँगा। तो वीडियो देखते रहना और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरा इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर देना, लिंक नीचे मिल जाएगा। और अभी 7:30 बजे हम लोग यहाँ से चलेगा और सिंताम जाएगा, उसके बाद फिर मामा जी के घर में चला जाएगा। तो दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ मामा जी के घर से निकल चुके हैं। अभी हम लोग को जाना है सिंताम, और सिंताम में जाके उसके बाद गाड़ी पकड़ कर फिर से उधर जाना है घर में। और हम लोग देखते रहना। अभी हम लोग निकल चुके हैं, यहाँ का व्यू भी दिखाऊंगा थोड़ा थोड़ा आपको। तो वो नीचे का नदी टिस्टा नदी है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा टिस्टा नदी है, उसमें उधर से आया है। और आगे में आप लोग को भी दिखाऊंगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक भी प्रोड्यूस किया है वहाँ से, और वो भी आपको दिखाऊंगा। और देख सकते हैं कि बहुत बड़ा नदी है टिस्टा नदी, जो सिक्किम का सबसे बड़ा नदी वही है। तो दोस्तों, अभी हम लोग रम्फू नदी पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ आगे में देख सकते हैं, वही है रामपुर नदी। और आगे में पुल भी आपको दिखाई दे रहा होगा, वही है। ये जाके डायरेक्ट जाके टिस्टा नदी में मिलता है, और उसके बाद टिस्टा नदी में जाके ये उधर निकलता है। देखे ना कितना टर्निंग है। ये अभी मैं साउथ सिक्किम में हूँ। अभी मैं तो अभी मैं जा रहा हूँ ईस्ट सिक्किम, जो कल आया था, रात को आया था। और अभी मैं ईस्ट सिक्किम जा रहा हूँ, अभी साउथ सिक्किम से सिंताम में जाके, और उसके बाद गाड़ी पकड़ कर जाना है। तो दोस्तों, आपको नीचे वो घर दिखाई दे रहा होगा, वो टूरिज्म के लिए टूरिस्ट लोग के बैठने का जगह है वो। आप लोग भी आके यहाँ पर बैठ सकते हैं, और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा से स्विमिंग पूल भी है उधर, बहुत अच्छा से बनाया है। देख सकते हैं कि नीचे जिप लाइन सब है, फैसिलिटी बहुत है, आप लोग आके यहाँ पर रह सकते हैं। और अभी हम लोग एक छोटा सा बाज़ार पहुँच चुका है, इसका बाज़ार का नाम मांगले बोलता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ज़रूरी सामान तो आपको ज़रूर मिलेगा यहाँ पर। और देखिए छोटा सा बाज़ार है, आप लोग देख सकते हैं, देखते रहना ऊपर नीचे दोनों तरफ से। देखिए एक बड़ा सा आपको बिल्डिंग दिखाई दे रहा होगा, वो मेडिसिन, उधर मेडिसिन प्रोड्यूस करता है, मेडिसिन फैक्ट्री है वहाँ पर, इधर ही दवाई बनता है यहाँ पर। देख सकते हैं कि नीचे का रास्ता भी वो है, यहाँ पर गाड़ी रुक गया है क्योंकि थोड़ा जाम है। आगे में एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, वो भी आपको दिखाऊँगा। और देख सकते कि वो मेडिसिन फैक्ट्री है, उधर ही दवाई बनता है। देख सकते कि आगे का रास्ता का हालत भी आपको दिखाऊँगा। देखिए बहुत खराब है, पहले यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था, लेकिन शुक्रिया करते हैं कि यहाँ पर थोड़ा गाड़ी तो चल सकता है। देखिए बहुत बड़ा, बहुत ख़त्म हुआ है रास्ता भी, देखिए ना लैंडस्लाइड होके गाड़ी मुश्किल से ही चलता है। और देख सकते हैं पूरा गाड़ी शेक हो रहा होगा अभी, लेकिन देख सकते हैं ना इतना छोटा रास्ता से गाड़ी चलना पड़ता है, पूरा मुश्किल से ही चलता है। और पत्थर भी बहुत है, ऊपर से पत्थर भी गिरा है यहाँ पर, देख सकते हैं कि वो पानी भी झर रहा है ऊपर से। देखिए ना गाड़ी बहुत शेक हो रहा है अभी, और ऊपर में भी लैंडस्लाइड हुआ है। यहाँ पर सिक्किम में आपको लैंडस्लाइड देखने के लिए बहुत मिलेगा, देखिए यहाँ पर। और ये पहले तो बहुत बड़ा हो गया था, पहले मैं एक न्यूज़ में देखा था ये, और अभी तो छोटा होगा, अभी तो गाड़ी जा सकता है। और उधर भी देखिए एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, लैंडस्लाइड तो बहुत होता है यहाँ पर सिक्किम में, हर एक जगह में आपको सिर्फ लैंडस्लाइड ही दिखाई दे रहा होगा। देखिए उधर भी लैंडस्लाइड हुआ है, आगे भी देख सकते हैं कि पहाड़ बहुत मस्त लग रहा है बादल के साथ। देखिए ना कितना बड़ा बड़ा पहाड़ है यहाँ पर, देखिए। मैंने पहले वीडियो में देखा था यही मेडिसिन फैक्ट्री, यहाँ पर 20 स्पीड में जा रहा गाड़ी, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा होगा। यही है मेन काइंड, यही मेडिसिन फैक्ट्री, इधर ही मेडिसिन बनता है।
सिक्किम में ना हर एक चीज़ बहुत मिलता है यहाँ पर, बोलने से इलेक्ट्रिक भी इधर से प्रोड्यूस करता है और मेडिसिन फैक्ट्री भी, ऐसा पहाड़ जगह में भी बहुत बहुत अच्छा से डेवलप हुआ देखा है। ऐसे स्टेट को, हर एक स्टेट को ऐसे ही डेवलप होना चाहिए। और देखिए पीछे नीचे टिस्टा का वही होगा शायद, इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होता है उधर, और आपको एक दिखाने की कोशिश करो। देखिए यहाँ से पूरा पहाड़ से पानी निकलता है, वो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? गाड़ी बहुत स्पीड है ना, इसलिए अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा है। उधर ही इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होता है यहाँ पर, नीचे आपको देखा देखिए वहाँ पर अच्छा से नहीं दिखता है ना, क्योंकि गाड़ी स्पीड है इसलिए। अभी यहाँ पर रास्ता भी थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए पहाड़ सब काट कर बना रहे हैं। अभी रास्ता थोड़ा बड़ा कर रहा है अभी, इसलिए बहुत अच्छा है इसलिए ड्राइवर लोग के लिए, क्योंकि रास्ता थोड़ा बढ़ेगा ना। पहले तो बहुत छोटा था, एक गाड़ी को साइड करना पड़ता था, लेकिन अभी तो थोड़ा थोड़ा करके रास्ता बढ़ा रहा है सिक्किम गवर्नमेंट। देखते हैं कि टिस्टा नदी है, वो पूरा पहाड़ से निकाला हुआ है, जो मैंने पहले डिच्चू का वीडियो में दिखाया था ना डैम, वो डैम से पीछे नीचे पहाड़ काट कर नीचे अंडरग्राउंड वाटर करके उधर से निकाला है। उधर देख सकते हैं कि एक थोड़ा सफ़ेद वाला दिखाई दे रहा है, उधर वही से निकाला है पानी, पूरा पहाड़ के नीचे तरह अंडरग्राउंड वाटर करके वहाँ पर निकाला है, और इधर ही इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों आगे में आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा आपको पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहा होगा, एक पत्थर नहीं है, बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, आपको ऊपर तक आपको दिखाई दे रहा होगा, वो सब ऊपर से आया है पहाड़ गिरकर नीचे, और इसी वजह से ये लैंडस्लाइड है। जैसे भाई भी ऐसा हिल रहा है पूरा कितना ज़्यादा हिल रहा है वही तो देखिए, टर्निंग बहुत है यहाँ पर, और देख सकते हैं कि यहाँ से और अच्छा से आपको दिखाऊँगा। देखिए ऊपर तक गया है पूरा, ऊपर तक देखिए ना, कहाँ से आया यार, बहुत डिस्टेंस कवर किया है ये लैंडस्लाइड ने। और ये पुल क्रॉस करने के बाद हम लोग ईस्ट सिक्किम में प्रवेश करेंगे। पहले हम लोग गया था साउथ सिक्किम में, और नीचे का वो अभी डैम बन रहा है वो टिस्टा नदी का। तो अभी हम लोग मामा जी के गाड़ी से उतर कर अभी टैक्सी लेकर अभी हम लोग जा रहे हैं सिंताम की ओर, थोड़ा आगे में 1 किलोमीटर जैसे जाना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग सिंताम में प्रवेश करेंगे, और आप लोग को सिंताम का भी थोड़ा आपको उधर का बाज़ार का भी देखूँगा। तो दोस्तों अभी फाइनली हम लोग सिंताम में प्रवेश कर चुके हैं, और देखिए ना कितना ऊपर नीचे बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा होगा। ऐसे जगह तो थोड़ा है, लेकिन जगह को मैनेज कर बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाए हैं, और नीचे में टिस्टा नदी भी है वो उधर नीचे में, और देखिए आपको दिखाऊंगा थोड़ा व्यू यहाँ का भी। और देखिए यहाँ पर दुकान तो बहुत है यहाँ पर, और बाहर के लोग आके यहाँ पर दुकान करते हैं, बोलने से बिहार यूपी का लोग आके यहाँ पर दुकान करते हैं। और देखिए यहाँ पर आई लव सिंताम बहुत बढ़िया से दिखाई दे रहा होगा, और वो ऊपर का बिल्डिंग भी बहुत अच्छा से बनाया हुआ है। तो अभी हम लोग सिंताम पहुँच चुके हैं, अभी हम लोग गाड़ी से निकलकर आपको लाल बाज़ार का थोड़ा सेट कराऊँगा। तो दोस्तों यही है सिंताम का लाल बाज़ार, जो लाल बाज़ार बोलता है ये बाज़ार का नाम, और छोटा शहर में बहुत बड़ा बाज़ार है ये। और आगे में देख सकते हैं कि वो मछली का सूखा कर उसे बेचने के लिए रखा है, और आगे में चपली हो गया, कपड़ा हो गया, सब सामान मिलता है यहाँ पर, और दाम तो बहुत महंगा है यहाँ पर, क्योंकि वह उधर दूर से कोलकाता से लेकर आता है, इसलिए भाड़ा भी लगता है, और उसके बाद टैक्स भी थोड़ा देना पड़ता होगा शायद बॉर्डर में घुसने के समय में। और देखिए आगे में आपको दिखूँगा, ये रास्ता के मेन नेशनल हाईवे के थोड़ा नीचे जाके इधर घुसना पड़ता है, और देखिए ना आगे में, और देखते रहना, और देखिए आगे में सब ज़रूरी सामान ऊपर नीचे आपको सिर्फ सामान कपड़ा हो गया, सब्जी हो गया दिखाई दे रहा होगा देखिए। और आगे में हम लोग भी जा रहे हैं, थोड़ा ही देखूँगा आपको यहाँ का, क्योंकि अभी हम लोग को टिकट भी हो गया, अभी गाड़ी भी निकलेगा आगे आधा घंटा जैसे में। और देखिए आगे में देखिए सब्जी का भी दुकान है, बहुत बड़ा दुकान है, और अभी हम लोग यहाँ से निकलेगा कि यहाँ से रास्ता आएगा ऊपर जाने का, और ऊपर रास्ते में निकलेगा अभी यहाँ से। तो अभी हम लोग रास्ता में निकल चुका है, अभी हम लोग पार्किंग में जाएगा गाड़ी पार्किंग में।
देखना, और ये वीडियो के यही एंड करता हूँ। और आप लोग चैनल में नया आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और नेक्स्ट वीडियो भी देखना सिन टाइम टू शामदोंग, जो मैं रहने का स्थान है वो भी, बीच का रास्ता भी वो भी देखाऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा इंस्टाग्राम में भी ज़रूर फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जय हिंद, देखते रहना नेक्स्ट वीडियो।